Assalamu alaikum, students. So today we are going to do demand and supply. Let's have a review of demand and supply. Demand refers to both the willingness and the ability of customers to pay a given price to buy a good or services. The सबसे important चीज है willingness और किसी की होती है, लेकिन ability of customers जो है to pay, यानी ये कि purchasing power वो होनी चाहिए. And this is what the difference between scarcity, के भी unlimited wants होती हैं, लेकिन हमारी जो ability है वो limit कर देती है हमारी buying power को. So that really counts up. Now अगर हम बात करें demand की, तो demand has inverse relation with the price. ये बड़ा ख्याल रखना है. As compared to the supply, इसकी direct relation होती है. And this is one of the reason it is going to be a downward sloping curve. अगर हम यहाँ पे ग्राफ को देखें तो आपके जो P1 और P2 है, फॉर एग्जांपल P1 से 20 रुपीज है, यहाँ पे हम Q1 क्वांटिटी कर रहे हैं से 100 यूनिट्स. तो जब क्या हुआ कि 100 से 80 प्राइस हुई, तो एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दैट कंज्यूमर आर गोइंग टू बाय मोर Q2 पे से 100 टू 120. तो इससे ही हमें पता लगा कि डिमांड की जो है इनवर्स रिलेशन होती है, यानी कि अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी. ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है कि उसकी डिमांड कम हो जाती है. सर, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी तो इंक्रीज होगी ना. अच्छा, अभी जब हमने ऊपर देखा था वो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और ये आपका मार्केट डिमांड कर्व है जिसका हम बाद में रिव्यू करेंगे. अभी हम देखते हैं क्या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है. ठीक है, अब डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है, सबसे पहले तो हमने देखा कि प्राइस होती है. अच्छा, एक चीज बड़ा जी. अच्छा, मैं कह रही हूँ कि डिमांड इंक्रीज होती है तो वो प्राइस इंक्रीज होती है ना. फिर से बोलो. डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज होती है ना. मुझे ये बताओ कि अगर किसी चीज की सेल लगती है, ठीक है, से अगर हम देखें कि लिवाइस पे सेल हो गई, तो वहां पे उसकी शर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? डिमांड बढ़ेगी. एग्जैक्टली. ठीक है, तो उससे हमें पता लगा कि उससे इनवर्स रिलेशन होती है ना, कि अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसा ही है ना. ठीक है, तो अब इसी तरह उसका ऑपोजिट भी होता है. अब हम जो बात कर रही हो आप, वो सप्लाई में होता है कि प्रोड्यूसर के परसेप्शन से देखें कि किसी चीज की अगर प्राइस बढ़ रही है, तो फिर वहां पे और दूसरे बिजनेस से भी लोग आ जाते हैं, कहते हैं इधर जो है यहाँ पे इस चीज की प्राइस बढ़ रही है, तो चलो ऐसा है कि हम जो है ये बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेम्बर प्राइस और सप्लाई की डायरेक्ट रिलेशन होती है, और डिमांड एंड प्राइस की आपकी इनवर्स रिलेशन होती है. कि हम देखें, फिर हम वापस ग्राफ डिमांड प्राइस की इनवर्स रिलेशन होती है. इनवर्स मतलब नेगेटिव. ये देखो यहाँ पे देखो कि अगर मैं P1 को अज्यूम कर लूं 100, ठीक है, और यहाँ पे P2 जो है वो आपका हो गया 80. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं. ऐसे है ना, P1 से P2 एरो नीचे होगा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी ये है, अगर 100 से 120 Q1 से Q2 पे जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू बाय मोर. तो डिमांड और सप्लाई तो इतना आसान है कि दिस इज व्हाट हैपनिंग इन अ डेली लाइफ. पहले जब पेंडेमिक से पहले खाटीज वाटीज पे सेल लगती थी, तो प्राइस ज्यादा हो जाता, कम हो जाता था. ठीक है ना, तो इसी तरह ये हम अप्लाई करेंगे. अच्छा, एक खास चीज का ख्याल रखना है, अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है कि इंक्रीज द प्राइस डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा. और आखिरी में जो वो बोलता है कि अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, यानी आपकी जितनी भी अदर थिंग्स कौन सी है, इनकम है, जिसमें आगे जो हम डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं, टेस्ट एंड फैशन है. क्योंकि अगर किसी की इनकम बढ़ी और प्राइस भी बढ़ी, क्या उसको फर्क पड़ेगा? ठीक है ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो मैं ये कह रहा था किसी तुम्हारी इनकम है से 1 लाख रुपीज. ठीक है, अब प्राइसेस जो है 10% इंक्रीज हो गई, उसके साथ तुम्हारी इनकम भी 10% इंक्रीज हो गई, 1 लाख से 1,10,000 हो गई. ठीक है,
तो अब मुझे ये बताओ कि वो 10% इंक्रीज का तुम्हारी बाइंग हैबिट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा, उसमें फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ी, उसके साथ साथ तुम्हारी इनकम भी इंक्रीज हो गई। दिस इज वन ऑफ द रीजन हम क्या करते हैं कि हम जो है उनको जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ख्याल करना है कि हम ये रिव्यू कर रहे हैं, हम बड़ा इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो थोड़ा हम ब्रश अप कर चलेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बीच में आता है तो इसी तरह हैंड रेस कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हैबिट्स फैशन एंड टेस्ट, चेंजेस इन हैबिट्स फैशन एंड टेस्ट कैन अफेक्ट द डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Products that become fashionable such as smartphone enjoy an increase in demand, whereas those that become unfashionable such as last season clothes experience a fall in the level of demand. So luxury fashion brands from France are higher popular amongst women in China. तो भाई हम देखते हैं कि जो भी आपकी फैशन में नहीं रहती चीजें या मॉडल पुराना हो गया, चाहे वो गाड़ी का मॉडल हो या सेलफोन का मॉडल हो या आपके जो है कि आपके फैशन में वो चीज नहीं हो, इसीलिए आप देखो कि एंड ऑफ सीजन सेल होती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों का सीजन होता है, फिर क्या है कि विंटर क्लोथिंग आ रही होती है, जब विंटर इन डिमांड। मुझे बताओ कि कभी भी शुरू में सीजन के सेल लगती है? कभी नहीं लगती। वो कब लग रही होती है? जबकि आपका सीजन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब उसकी कोई डिमांड नहीं होगी। सर्दियों के कपड़े जब गर्मी आनी शुरू होती है तो क्या होता है, एंड ऑफ सीजन सेल, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो उस इन फैक्टर्स को हम क्या कर रहे होते हैं, हम इनको कांस्टेंट कर देते हैं ताकि हम देख सकें कि प्राइस का आपके डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा। दूसरा क्या, इनकम, जो हमने अभी बात की थी कि हाई लेवल ऑफ इनकम मींस दैट कस्टमर आर एबल एंड विलिंग टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। थर्ड है सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, ये जरा ध्यान से समझ लेना है फर्क क्या है दोनों का, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स का, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूट्स आर गुड, सब्स्टिट्यूट्स में क्या है, कोक कॉफी, ठीक है, इसी तरह पेट्रोल है सीएनजी, ऐसे ही है ना। बटर है, उसका क्या सब्सिट्यूट है, मार्जरीन। यानी अगर एक चीज आपको नहीं मिल रही तो आप उसका दूसरा सब्सिट्यूट करके काम चला लो, ऐसे ही होता है ना। मतलब जैसे जैसे जो दो कंपनीज एक जैसी होती हैं, काम करती हैं वो कंपनीज की नहीं, हम अपनी नीड्स की बात कर रहे हैं। देखो हम क्या चैप्टर पढ़े हैं, हम पढ़े हैं डिमांड, तो इसका मतलब है हम कंज्यूमर के एंड पे देखो चीजों को बुकिश में नहीं लो, चीजों को आयशा आयशा चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में लो। कि अगर फॉर एग्जांपल अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास इसे अगर अभी बारिश हो रही है, ऐसे ही है ना, और तुम्हारा मन है चाय पीने का, ठीक है ना, चाय खत्म हो जाए और कॉफी रखी हो तो वुडंट यू गो फॉर द कॉफी, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसीलिए अब हमने प्राइसेस, किसी का अल्टरनेटिव, हाँ बिल्कुल अच्छा वर्ड यूज किया, अल्टरनेट, बिल्कुल हम देखते हैं कि उसका अल्टरनेट जो है वो अवेलेबल। तो इसीलिए जो वो प्राइसेस जो है, देखो अब जैसे कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो लोगों ने क्या किया था, सीएनजी लगानी शुरू कर दी, हाँ, फिर जब सीएनजी की प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई तो लोग पेट्रोल पे आ गए। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। जैसे कोक और पेप्सी, अगर मुझे बताओ कि कोक का कैन 200 रुपए का हो जाए तो लोग किस पे शिफ्ट कर जाएंगे, पेप्सी पे ना, ठीक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट हो गया एंड सो ऑन। कॉम्प्लीमेंट्स, अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्स, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है आवाज, अब सही है जी, अब आ रही है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स हमने कर लिया, अब हम बात समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स वो होती हैं कि जिनकी के बगैर आपकी जो है प्रोडक्ट या आपकी चीज जो है वो चल नहीं सकती। जैसे कि हम कार की बात करें तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, पेट्रोल है, ऐसे ही है, ठीक है ना। आपकी अगर वॉल क्लॉक है तो वो सेल के बगैर नहीं चल सकती, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। इसी तरह आपका जो प्रिंटर है वो कार्ट्रिज के बगैर नहीं चल सकता। सेलफोन क्या चार्जर के बगैर चल सकता है, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो कंपनीज है मल्टीनेशनल्स इसीलिए यही करती हैं कि उनकी जो कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। यू विल बी सरप्राइज, जैसे कि आप आईफोन वगैरह के देख लो और उनके जो जितने भी, चाहे वो हैंड्स फ्री हो या आप ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या आप उनके एचपी की आप कार्ट्रिज ओरिजिनल देख लो, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी रियली हाई प्राइस, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्स आर प्रोडक्ट्स दैट आर जॉइंटली डिमांडेड, इसको हम एक और भी वर्ड यूज करते हैं, याद रखना, मैं आगे भी पूछूंगा, इसको कहते हैं
ज्वाइंट डिमांड, क्या कहते हैं ज्वाइंट डिमांड, क्यों? क्योंकि अगर आप एक को चीज, जी कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं ज्वाइंट डिमांड। हाँ, कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं ज्वाइंट डिमांड। तो सच है, अब इसी तरह आपके टेनिस बॉल है तो उस रैकेट्स है, ठीक है, तो एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आपकी। तो ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया आपको? गुड, पर ठीक है। ये अब सेम हम, ही हो गया मतलब, नहीं फर्क कैसे सेम हो गया यार? अब मुझे बताओ कि कोक, अच्छा तुम्हारे पास, अल्टरनेटिव मुझे ये बताओ कॉफी, अगर हाँ, तो ये तो आपके कॉम्प्लीमेंट्स में आ गया ना। लेकिन अगर हम बात करें टी और कॉफी या बटर और मार्जरीन की, ठीक है, तो हम एक चीज यूज करेंगे। अगर इफ यू आर, फॉर एग्जांपल, आपके पास से यू आर हैविंग 100 रुपीज, यू कैन बाय 2 कैन ऑफ हाँ समझ पेप्सी। लीजिए। और इसमें हम एक भी चीज यूज नहीं करेंगे तो फायदा ही नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े। जी ओके, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग मैसेजेस आर यूज्ड टू इन्फॉर्म, रिमाइंड एंड परसुएट कस्टमर्स टू बाय फार्म्स प्रोडक्ट्स। कंपनी सच एज कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, एप्पल एंड सैमसंग स्पेंड हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर्स ईच ईयर ऑन देयर एडवर्टाइजिंग बजट्स टू इंक्रीज द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। यू विल बी सरप्राइज कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे आपकी यूनिलिवर है, पीएनजी है, या कोक, पेप्सी, होंडा, टोयोटा, तो इनके बजट किसी स्मॉल कंट्री के बजट से भी ज्यादा होते हैं। दैट्स हाउ दे स्पेंड देयर मार्केटिंग ऑन, ठीक है। तो मार्केटिंग और आपके एडवर्टाइजिंग से मुझे बताओ कि जैसे यू फोन के हिलेरियस एडवर्टाइजमेंट होता था, फनी एडवर्टाइजमेंट, तो उनकी जो है सेल काफी बढ़ जाती है। फिर इसी तरह जो है आपके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, तो बहुत ज्यादा जो स्पोर्ट्स के सक्सेसफुल प्लेयर होते हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजन इतना हाई चार्ज कर रहे होते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस उनके जो है फैंस पे होता है, कि अगर वो यूज करेंगे तो दूसरे भी यूज करें। जैसे कि सलमान खान की बींग ह्यूमन जो प्रोडक्ट है, राइट, ठीक है, तो अब जो सलमान खान को पसंद कर रहे हैं तो वो बींग ह्यूमन को भी यूज करेंगे, ऐसे ही है। सही। फिर है, आती हैं आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज, और गवर्नमेंट पॉलिसीज का तो आपको पता है कितना ज़्यादा इफेक्ट है। मेरे रेस्टोरेंट जो है वो सेल करना चाह रहा है, आप खाना खाने जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों, लॉकडाउन है तो आप जाके डाइन इन नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना, ठीक है। मूवी देखने का बड़ा मूड हो रहा है, या यूं चलो सी व्यू जाने का बड़ा मूड हो रहा है, बारिश हो रही है, ऐसे ही है। लेकिन क्या है कि लॉकडाउन है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो वहां पे जाके हम पॉपकॉर्न या हम जो वहां पे जाके चाय अच्छी सी नहीं पी सकते, आइसक्रीम आइसक्रीम, जी आइसक्रीम भी नहीं खा सकते, ठीक है, सही है। तो और बहुत सारी चीजें जिसका दिल चाहे, रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन टोबैको एंड अल्कोहल विद अफेक्ट्स द डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स। पर हमारी इकोनॉमिक्स में होती है डीमेरिट गुड्स, जैसे हम हार्मफुल प्रोडक्ट्स कहते हैं। पहले एड्स आते थे, एडवर्टाइजमेंट्स होती थी टोबैको प्रोडक्ट्स की, इस तरह जो, और दूसरी एग्जाम्पल में पहले ब्लैक शॉपर्स होते थे, लेकिन फिर क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो है बड़े हार्मफुल हैं, ठीक है, तो अब जो है आपके ब्लैक जो है शॉपर्स नहीं होने चाहिए, तो वो उन्होंने बैन कर पर दिए, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं देखते हैं ब्लैक शॉपर्स होते हैं वो कभी तो कहीं ना पाकिस्तान में कहीं। तो हर चीज तुम्हें पता है ना कि बैक चैनल से चलती है, और सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो मैं कहूंगा पेंडेमिक से ज्यादा कोई हो ही नहीं सकती। इसको तो हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स की हर जगह पे उसको जो एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही है ना, क्योंकि सही इसमें ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी थी ना। मैं, आई वॉज रियली सरप्राइज एंड आई वॉज लाइक टू शेयर। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, नॉर्थ नाजबाद में एक मॉल है, अंदर उसमें चीज है, ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ तो मैं पूरा मॉल सेट हुआ हुआ था, ये तो अब खुले ना मॉल, 2-3 महीने तो बंद थे। अब देखो उन्होंने जो है जितने भी बिजनेस थे सारी अपनी इन्वेंट्री डाली भी, उनका सीजन ऑन है, ठीक है, ईद का, लेकिन क्या है, बिजनेस भी तैयार है, कस्टमर भी तैयार है लेने के लिए, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, आप उसको खोल ही नहीं सकते, ऐसे ही है ना। और सबसे बड़ी सही। एग्जाम्पल स्कूल, ठीक है, आपका बड़ा दिल चाह रहा है स्कूल जाने का, ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन क्या है, घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो क्या है कि बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है कि स्कूल स्टिल कैन नॉट ओपन, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ऐसे ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमी इकॉनमी, द स्टेट ऑफ द इकॉनमी, वेदर वेदर इट इज एन इकॉनमी, इकोनॉमिक बूम और अ रिसेशन। देखो जिस तरह सुबह के बाद शाम होती है, इसी तरह इकोनॉमी हर बार एक जैसी नहीं होती, जिसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं, ऐसे ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
आपके क्या है, ग्रोथ आता है, बूम। अब साइंस वाले को भी रोड पे भी चलते हुए पूछ लो उसको, या कोई भी आदमी लेमैन भी है कोई भी ऐसा, सिक्योरिटी गार्ड उससे बोले रिसेशन, वो बोलेगा हाँ भाई इकोनॉमी स्लो डाउन, क्योंकि ये कॉमन टर्म हम देख रहे हैं। और थैंक्स टू द पेंडेमिक अगेन, कि लोगों को समझ आ गई थोड़ी कि भाई ये इकोनॉमिक इकोनॉमिक वगैरह क्या होती है। ठीक है, तो पूछो भाई इकोनॉमी कैसी जा रही है, वो कहेगा बुरी जा रही है। और रिसेशन क्या होता है, रिसेशन होता है कि व्हेन द इकोनॉमी स्लो डाउन, यानी ये कि इकोनॉमिक्स क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज उस तरह प्रोड्यूस नहीं हो रही क्योंकि काफी लोगों की जॉब जा चुकी है या उनके बिजनेस बंद हैं। अभी भी मुझे बताओ शादी हॉल खुल गए क्या, नहीं ठीक है ना, इसी तरह रेस्टोरेंट्स भी नहीं खुले, स्कूल्स। अच्छा ये मेन बिजनेस है, इसके साथ 10-20 हो सकता है 50 साइड बिजनेसेस हो, जैसे कि अगर स्कूल है उससे बुक स्टोर भी आपका अफेक्ट हुआ, ऐसे ही है। उसके साथ आपका यूनिफॉर्म वाले बेचारे ऐसे ही वो बैठे हुए मक्खियां मार रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ यू आर गोइंग टू लुक इनटू, उनके साथ फोटो कॉपी शॉप वाले भी बैठे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें जो आपके जितने भी केटरिंग वाले बिजनेस है, इवेंट मैनेजमेंट वाले बैठे हैं, ठीक है, इसी तरह जो है पूरा आपका टूरिज्म जो है वो अफेक्ट हुआ हुआ है हम तो उसकी, ठीक है। अब टूरिज्म की वजह से होटल्स बिल्कुल बैठे हुए हैं, सिमिलरली जितनी भी टूरिज्म की आपकी जितनी कंपनीज हैं, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट जो कि आपकी यूनिवर्सिटीज बाहर की हैं, तो उसकी वजह से जितनी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं दे आर नॉट वर्किंग ऑन, तो देर आर न्यूमरस बिजनेस, ठीक है। फिर वो आपके मूवी थिएटर्स बंद हुए हैं, सिनेप्लेक्स या एट्रियम्स वगैरह वो देखें कि वो जा रहे होते, तो उससे क्या होता है इकोनॉमी आपकी स्लो होती है। क्यों, क्योंकि एक तो बिजनेस नहीं हो रहे, फिर उनसे रिलेटेड है जितने लोग हैं उनकी डिमांड कम हो गई। क्यों, क्योंकि या तो उनकी जॉब नहीं है या उनकी परचेजिंग पावर कम होगी। जब वो अब क्या है, पहले तो वो उन चीजों पे खर्चा कम करेंगे जो कि आपके नए कपड़े नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसी तरह लग्जरीज पे नहीं करेंगे, नेसेसिटीज तो लेनी होगी। फिर जब उनकी वो भी चीजें वो अच्छे, इफ दे आर गोइंग टू लूज द जॉब, तो वो नेसेसिटीज पे भी नहीं, हो सकता है चेस पे ना जाए, ठीक है, और वो जो है कोशिश कर लें या तो कट डाउन कर लें अपनी, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड्स पे कर रहे होते हैं, फिर वो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करना होते हैं, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड्स पे जब डिफॉल्ट आ रहा होता है वो पेमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो बैंक्स अफेक्ट होते हैं, ऐसे ही है। और जब बैंक्स अफेक्ट हो रहे हो तो उससे क्या होता है, फिर बैंक्स बैंकरप्ट होते हैं। 2008 में जो रिसेशन आया था, 200 से ज्यादा अमेरिकन बैंक बंद हो गए थे, कितने, 200 से ज्यादा। तो अभी जो हाल नहीं होगा और उसका बाद में जो इम्पैक्ट आएगा, अभी तो कुछ इम्पैक्ट नहीं आया, जो आफ्टर इम्पैक्ट होता है वो बड़ा वर्स होता है। तो इसीलिए बहुत सारे जो इकोनॉमिक एनालिस्ट कह रहे थे कि जो 1928 में जब आया था, तकरीबन उसको 100 साल हो गए जैसे डिप्रेशन आया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, तो अब वी आर हेडिंग टू द डिप्रेशन। और डिप्रेशन में क्या होता है कि इकोनॉमी बिल्कुल रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें कि एक कंट्री की बात तो नहीं है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं, ऊपर जो हमने बात की थी वो थी, और ये वाला जो जिसमें होती है कि आपकी मूवमेंट, ठीक है, जो आप सामने आपके नजर आ रहा है, ये जो कर्व है, ठीक है, इसमें देखें तो P1 P3 P2 है, ठीक है, ये एक कर्व है दो कर्व है, और ये जो लाइन है डिमांड की, तो क्या ही कर ये जो डिमांड की अगर हम लाइन देखें इसमें, तो यहाँ पर एक है, ठीक है ना, यानी ये कि आपकी मूवमेंट ऑन द सेम कर्व हो रही है। और ये मूवमेंट ऑन द सेम कर्व किसकी वजह से हो रही है, ये प्राइस की वजह से हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने रहे हैं? बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट होती है तो वी आर हैविंग अ मूवमेंट ऑन द सेम कर्व, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होती है। लेकिन अगर हम नीचे जाएं, अब हम प्राइस को कांस्टेंट कर देंगे, ये देखो P1A की लाइन है प्राइस की, ऐसे ही है। तो अब हम क्या है, प्राइस को कांस्टेंट कर देंगे और हम क्या करेंगे आगे, अब हम इनकम को चेंज करेंगे। जब इनकम लोगों की बढ़ती है तो वो लग्जरीज पे ज्यादा खर्च करते हैं, वो डाइन इन करते हैं रेस्टोरेंट्स में, वो अब्रॉड वेकेशंस करते हैं, ठीक है, वो लग्जरी गुड्स खरीदते हैं, ठीक है ना। तो उससे शिफ्ट डिमांड कर्व क्या हो जाता है, राइट पे होता है या लेफ्ट पे होता है, राइट वेरी गुड, राइट पे होता है, ठीक है। तो जब राइट पे होगा तो उससे क्या होगा
कि आप जो है Q1 से Q3 पे चले जाएंगे राइट पे, लेकिन अभी पेंडेमिक है, अभी जो है आप देखो कि कोरोना की वजह से जो है वो आपकी पूरी वर्ल्ड वाइड जो है वो परचेजिंग जो है वो कम हुई हुई है, यू आर नॉट बाइंग इट, तो इसकी वजह से आपका Q1 से क्या चला जाएगा Q2 पे। तो इससे हमें समझ में आया कि जब भी मूवमेंट राइट हैंड पे हो रही हो तो डिमांड एक्सपेंड हो रही होती है, बढ़ रही होती है, शिफ्टिंग एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ पे, और Q1 से Q2 पे जा रही होती है तो क्या हो जाती है कि आपकी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज याद रखने वाली है वो ये कि प्राइस हम यहाँ पे कांस्टेंट कर देते हैं, दूसरी चीजें जो है वो हम चेंज कर देते हैं, जिसमें हमने एडवर्टाइजिंग पे बात की, इनकम पे बात की, कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट एडवर्टाइजिंग पे बात की कि एडवर्टाइजिंग किसी की बहुत अच्छी हो जाए तो उसकी वजह से भी आपकी डिमांड शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे शिफ्ट याद रखना है और ऊपर मूवमेंट याद करना है, ठीक है। यहाँ BMW की एग्जाम्पल दी है, तो BMW सॉ रिकॉर्ड प्रॉफिट्स व्हेन इंक्रीजिंग डिमांड इन चाइना एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स बूस्टेड कार सेल्स, ठीक है। तो वो उसने जो है मार्केटिंग ऐसी की तो जिसकी वजह से जो है वो आपको फायदा होगा, ठीक है। अच्छा अब हम देखें सप्लाई, हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन डिमांड का। ओके ओके, सप्लाई में देखो कि डिमांड में ग्राफ जा रहा था डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इसलिए जा रहा था कि उसकी इन्वर्स रिलेशन थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, P1 और P2 प्राइस बढ़ रही है तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है Q1 से Q2 पे। अगर 100 रुपये और प्राइस 120 कर दी, अब जो दूसरे बिजनेस में भी वो कहता है कि भाई इसमें तो बड़ा फायदा है, यहाँ पे आना चाहिए, तो दूसरे बिजनेस भी आएंगे, वो भी बिजनेस करेंगे, तो एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दैट क्या है, प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी बकरीद का टाइम है, ठीक है, अब जो है बहुत से लोग क्या है कि अपने जो जितने भी वो ये कि उस इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एनिमल्स में, बकरे ले लिए, गाय वाय ले लिए, और उसमें वो कहते हैं कि चलो भाई यहाँ पे जो है प्राइसेस अब। और इसी तरह सबसे बड़ी पेंडेमिक की एग्जांपल, पेंडेमिक में क्या हुआ है कि आपके सैनिटाइजर्स, मास्क और ये जितने भी आपके ऑक्सीमीटर्स वगैरह या थर्मोमीटर्स हैं, तो उनकी प्राइसेस जितनी भी हैं वो स्काई रॉकेटिंग होगी। जब प्राइसेस बढ़ी तो लोगों ने बोला कि भाई चलो ऐसा है कि बिजनेस करते हैं। यू वोंट बिलीव कि इवन मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि कभी सैनिटाइजर या जो दूसरी इस तरह की जो ऐसे हाइजीन प्रोडक्ट्स बना नहीं बना रही थी, तो वो दे गॉट इनटू द बिजनेस, उन्होंने बोला अपॉर्चुनिटी को कैश करो एंड दे स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये कि इसकी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, और दूसरी अगेन कि अगर एक सप्लाई कर्व हो रहा हो तो इस पे भी हम बात करेंगे मूवमेंट की अप एंड डाउन की, ठीक है। तो यहाँ पे भी मूवमेंट अप एंड डाउन हो रही है। अच्छा अब डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है, अच्छा यहाँ एक और चीज समझने की है, वो क्या है कि जो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई हैं वो आपके किस तरह कॉस्ट पे इफेक्ट करेंगे। देखो एक होती है प्राइस, प्राइस क्या है कस्टमर पे कर होता है, और एक कॉस्ट जो आपको पड़ रही होती है यानी जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं टोयोटा जो गाड़ी करोला 30 लाख की बेच रहा है तो उसको 30 लाख की थोड़ी पड़ी होगी, उसे 20 लाख की पड़ी होगी, तो वो क्या होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिमिलरली अगर आप एक पेन ले रहे हैं 10 रुपए का मार्केट से, तो उसकी कॉस्ट अगर 10 रुपए ही होगी तो उसको क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा लो होती है। अच्छा यहाँ हमेशा पे जो भी एग्जैक्टली बेचते हो तो अपना प्रॉफिट निकालते ही है ना। प्रॉफिट निकालते ही है, वरना तो देखो हम जब भी इकोनॉमिक्स या बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट के बगैर इकोनॉमिक्स और बिजनेस तो नहीं है, वरना विल बी बेटर ऑफ हम आराम से घर में बैठे और समोसे खाएं और ये देखें हम बारिश के मजे लें। वाई वी वाई आई एम आउट, वाई ऑल द एंटरप्रेन्योर्स आर आउट, वाई बिकॉज दे आर मेकिंग मनी। यहाँ पे मनी का कॉन्सेप्ट होगा तो वहां पे इकोनॉमिक्स होगी और वहां पे बिजनेस होगी, ऐसा ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है सप्लाई में कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। फिर कम हो जाएगी। बोलता हूँ देखो, अगर सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, मेरा मार्जिन बढ़ा ही नहीं, ठीक है, मेरा मार्जिन बढ़ेगा कि नहीं। प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी हाँ मतलब ठीक है, तो जागना है बिल्कुल, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो समटाइम्स आई ट्राई टू डिसीव यू, ठीक है, तो बी केयरफुल, जागना है। ओके,
इसीलिए क्या होता है कि देखो जितने भी आजकल बिजनेस हैं वो प्राइस पे नहीं खेल रहे होते, दे आर प्लेइंग ऑन द कॉस्ट, एंड दिस वन ऑफ द रीजन के टोयोटा इज अ मार्केट लीडर। ठीक है, जितने भी बिजनेस हैं जिनकी कॉस्ट लो है तो वो मार्केट लीडर क्यों है, क्योंकि दे आर गिविंग यू एट अ लेस प्राइस, वो उनके प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हैं, और वो जो है दे आर गिविंग पासिंग ऑन द बेनिफिट ऑफ लो कॉस्ट टू द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर भी खुश। जैसे डेल है, डेल जो है वो लो कॉस्ट पे क्यों है, क्योंकि हम आगे बिजनेस में भी पढ़ेंगे जस्ट इन टाइम का, कि वो प्रोडक्शन पहले से चीजें बना के नहीं रखता। ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम का, पहले वो डिमांड देखता है, ऑर्डर्स लेता है, एंड देन गोइंग टू प्रोड्यूशन। ठीक है, और प्रोडक्शन उसके बाद वो डिलीवर करता है, उससे क्या होता है उसकी कैरिंग कॉस्ट नहीं होती, जो कि इन्वेंट्री कॉस्ट, उसको वो वेयर हाउसेस नहीं रखने पड़ते। ठीक है, वहां पे उसे स्टाफ नहीं रखना पड़ता। तो जो एचपी कॉम्पैक या आपकी दूसरी बड़ी कंपनीज दे आर जो उनके लैपटॉप्स की प्राइस है, अगर वो $1500 कर रही है, तो डेल इज पासिंग सेलिंग एट 1200। दूसरा बड़ा काम जो डेल कर रहा है, उसने इंटरमीडियरी नहीं रखे। इसका क्या मतलब है, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद रिटेलर आता है, उसके बाद कंज्यूमर आता है, ऐसे ही है ना। यानी अगर तुम्हें कोई लैपटॉप चाहिए, तुम स्टोर पे जाओगी या तुम फैक्ट्री जाओगी। स्टोर ठीक है ना, अब उसने ये नहीं रखा, उसने क्या किया, जैसे यूएस में इफ यू वांट टू बाय द लैपटॉप यू ऑर्डर ऑनलाइन। ऑनलाइन से क्या फायदा हुआ कि ये बीच में जितने भी परसेंटेजेस जो के डेल ने देने थे होलसेलर को रिटेलर को, उसने बोला नहीं मुझे देने की जरूरत ही नहीं है, क्यों ना मैं डायरेक्ट जो है ऑनलाइन सप्लाई कर दूं कस्टमर को। तो जितनी भी डिलीवरीज होती हैं वो डायरेक्ट ऑनलाइन, देयर आर नो स्टोर्स इन द यूएस। ठीक है, अगर किसी ने लेना बल्क में लेना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि 100 पीस ले लिए, 200 पीस। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं और हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने ये समझा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर लो होती है तो उससे जो है आपका जो है सप्लाई जो कर्व है वो, यानी ये कि शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड पे। टैक्सेस, टैक्सेस इम्पोज ऑन द सप्लायर ऑफ अ प्रोडक्ट एड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट रिड्यूसेस इट्स सप्लाई, शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है सप्लाई जो आपका देख रहे हैं हम यहाँ पे राइट और लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा है, सिंपली स्पीकिंग, जाहिर है कि टैक्स किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ना कंज्यूमर को अच्छा लगता है कि उससे इसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, ऐसा ही है। और जाहिर है तो यहाँ क्या हुआ, तो मतलब डिमांड का पूरी डिजन है, प्राइस हाँ डिमांड का भाई, बढ़ती सब डिमांड का ऑपोजिट क्यों है, वो इसलिए कि सप्लायर है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, सप्लायर वो सप्लाई करता है, और डिमांड में हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है कि जो सप्लाई है वो फॉलो करती है डिमांड को। भाई अगर मुझे ये बताओ कि किसी चीज की डिमांड ही नहीं फॉलो है, करती है मैं जो है से 100 केक बना के बैठ जाऊं और वहां पे एक कस्टमर भी नहीं हो, तो मेरे सारे केक्स खराब। डिमांड ही नहीं है, सही ठीक है ना, फायदा हाँ। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल, 2 दिन पहले मैं गया इन द बेकरी, अब बराबर में पाइन द स्काई और डेलिजिया दोनों बराबर बराबर। ठीक है, अब पाइन द स्काई देर वॉजेंट इवन अ सिंगल कस्टमर। ठीक है, लेकिन उनकी क्या है, उनकी केक्स भी रखे थे, उनकी जो है पेस्ट्रीज भी थी और उनकी अदर प्रोडक्ट्स भी थी, एज कम्पेयर डेलिजी के 6-7 बंदा इट्स ऑल फुल। ठीक है, अब पाइन द स्काई मे थिंक के वो जो है अपनी जितनी भी सप्लाई है उसको कम कर दें, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट डे उनका इसी तरह लॉस होगा, थर्ड डे भी होगा। ठीक है, तो लेटर ऑन वो 1 हफ्ते तक 10 दिन तक ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर क्या होगा कि दे आर ग्रेजुअली गोइंग टू रिड्यूस। अब दूसरी एग्जांपल्स, पेंडेमिक में अभी क्या है कि सप्लाई बढ़ेगी तो मतलब प्राइस बढ़ेगी ना। पेंडेमिक में क्या है कि अभी ऑनलाइन डिलीवरी तो चल रही है लेकिन रेस्टोरेंट्स के डाइनिंग नहीं है, तो क्या उनकी सप्लाई सेम है या कम हो गई है, कम हो गई है। ठीक है ना, अब क्यों, इसी क्यों, क्योंकि डिमांड कम है, तो इससे हमें ये पता लगा कि इसमें सप्लाई सप्लाई ऑलवेज फॉलो बढ़ेगी, डिमांड। ठीक है, आप क्या बोले वहां पे जो बीच पे है। मैंने ये बोला कि बस ये याद रखना है कि सप्लाई फॉलो डिमांड, ये याद रहेगा, ये तो याद है फिर जबरदस्त। बस ठीक है, लेट्स मूव ऑन। बस। अच्छा।
बस जस्ट बेयर फॉर 5 मोर मिनट्स, ठीक है, 5 मोर मिनट्स एंड देन वी कुड एंड अप द क्लास. उसमें हम देख लेते हैं जो इसके सप्लाई के दूसरे फैक्टर्स एंड देन वी कैन एंड इट अप. ठीक है बेटा, चलो ठीक है. हाँ ओके. अच्छा अच्छा फिर उसके बाद हमारा जो फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मशीन्स मोर एफिशिएंट हो गई हैं. ठीक है, वो ज़्यादा जैसे गुल अहमद पे देखें तो पहले एक जो मशीन है वो 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी, अब वो 2000 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी सप्लाई क्या, आउटपुट क्या होगी, बढ़ेगी, ऐसा ही है. ठीक है, सिमिलरली अगर हम प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स देखें, एग्जैक्टली, प्राइस एक्स एज अ ओरिजिनल एज अ सिग्नल टू प्रोड्यूसर टू मूव द रिसोर्सेज टू द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ग्रेटर लेवल ऑफ प्रॉफिट्स. देखो डाइवर्सिफिकेशन होती है, जैसे कि यूनिलीवर क्या है कि और नेस्ले की एग्जांपल ले, नेस्ले जो है पानी भी बना रहा है, नेस्ले भी जूस भी बना रहा है, ठीक है, नेस्ले का दूध भी है, दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अभी क्या है, ड्यू टू अगेन पेंडेमिक जो है कस्टमर जो डर के वो जूसेस इस तरह नहीं ले रहा, तो जूसेस की क्या है कि वो रिसोर्सेज शिफ्ट कर देंगे पानी पे, या हो सकता है कि नेस्ले जो है वो सैनिटाइजर भी बना रहा हो तो दे कुड मूव ऑन दैट वन. ठीक है, तो जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज्यादा होती है तो उससे क्या फायदा होता है कि आप जो है अपने शिफ्ट कर जाते हैं रिसोर्सेज उसमें. अब अगर हम देखें जो यूनिलीवर जो है वो चाय भी बनाता है कॉल्ड लिप्टन, और वो उसकी जो है वॉल्स भी है. अब सर्दियों में टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो वो अपने रिसोर्सेज शिफ्ट कर देता है वॉल्स से टी की तरफ, लिप्टन की तरफ. एज कम्पेयर टू द वन, अगर हम देखें गर्मियों में आपकी आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, एज ए कंसिक्वेंस उनको डिमांड मीट करने के लिए सप्लाई बढ़नी होती है तो वो शिफ्ट कर जाते हैं. फिर आपका टाइम, द शॉर्टर द टाइम इन क्वेश्चन द लेस टाइम सप्लायर्स हैव टू इंक्रीज देयर आउटपुट, सो द लोअर द सप्लाई टेंड्स टू बी ओवर टाइम, आउटपुट कैन बी इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, अब अगेन बहुत सारी कंपनीज जो नॉर्मली सैनिटाइजर बना रही थी लेकिन अब ड्यू टू पेंडेमिक के उनको बढ़ानी पड़ी. हर एग्जाम्पल इसी में बड़े आराम से फिट हो जाएगी. ठीक है, और वेदर की अगर हम बात करें तो अभी जो है जितनी भी से रेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी अम्ब्रेलाज हों, चाहे वो कार कवर्स हों, ठीक है, तो उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. या फिर आप का जो दिल चाह रहा था समोसे या इस तरह की रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड भी क्या बढ़ जाएगी. ठीक है, आज के लिए इंशाल्लाह इतना रखते हैं. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह.